वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर रिमूव टू नहीं आता, रिमूव टू सर पढ़ा दीजिए। देखते हैं करके, हम लोगों का टॉपिक आज का है रिमूवल ऑफ टू। ये रिमूव टू करना है। प्रश्न उठता है कि रिमूव टू करे क्यों भाई, जब रिमूवल ऑफ टू, जब टू हटाना ही है तो पढ़े क्यों। समस्या तो इस बात की है, जब हम लोगों को हटाना ही है तो इसे पढ़ने की जरूरत क्या है। तो रिमूवल ऑफ टू, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हो तो 5 नंबर के क्वेश्चन, एसएससी की तैयारी करते हो तो 3-4 नंबर के क्वेश्चन। मतलब रिमूव टू से लगभग सारे एग्जाम्स में 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। रिमूव टू हालांकि एडवर्ब का टॉपिक है, ये हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रिमूव टू का मतलब क्या होता है। रिमूव टू का मतलब होता है, ए टू का मतलब जानो क्या होता है, रिमूव तो हटाना ही हटाना है, रिमूवल ऑफ टू। तो टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड जरूरत से ज्यादा, यानी मोर देन रिक्वायर्ड जरूरत से ज्यादा। भाई एक बात बताओ, जरूरत से ज्यादा कभी कोई चीज होता है क्या, बोलो। जरूरत कुछ होता है, नहीं होता। तो जरूरत से ज्यादा कोई चीज नहीं होता। जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हो, कॉपी कलम निकाल लो और इसको पूरे भारत में शेयर करो हर बच्चे के लिए। हमने कहा टू मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा। अब जरूरत से ज्यादा नेगेटिव चीजें होती हैं, अच्छी चीजें नहीं होती। कभी आपने बोला क्या कि जरूरत से ज्यादा सुंदर हो, कभी बोला क्या कि जरूरत से ज्यादा अमीर है, कभी बोला क्या, हाँ ये बोला होगा कि जरूरत से ज्यादा गरीब बेचारा। तुम नीचे उतरे, किसी ने खींच दिया बिना पूछे, आपने कहा यार इससे बुरा इंसान दुनिया में हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर तुमने कहा कि टू गुड है, ही इज टू गुड, इसका मतलब तुमने कहा ही इज टू गुड, तो गलत हो जाएगा। गुड जरूरत से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। आपने किसी लड़की को बोल दिया यू आर टू ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या बोले, तुम जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो, यू आर टू ब्यूटीफुल गर्ल, तुम मोर देन रिक्वायरमेंट खूबसूरत हो। इसका मतलब क्या, आप मजाक करो, बेकार है वो, है ना जी। यू आर टू ब्यूटीफुल मतलब जरूरत से ज्यादा कुछ सुंदर हो सकती है, कुछ सुंदरता का पैमाना है जी, नहीं है। तो इस तरह से सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है, इसलिए टू गुड संभव नहीं है, टू वाइज नहीं, टू ब्यूटीफुल नहीं, टू हैंडसम नहीं। तो कर क्या सकते हैं, आपको बोलना है तो टू बैड बोल सकते हो, आपको बोलना है तो टू डिफिकल्ट बोल सकते हो, टू अगली बोल सकते हो, टू कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन टू नेगेटिव वर्ड बोलोगे। इसका मतलब कि टू एक नेगेटिव वर्ड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो रिमूव टू कैसे पढ़ते हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब, अब चाहे इज एम आर वाज वर कुछ भी आ जाए। उसके बाद आएगा नेगेटिव एडजेक्टिव, क्या आएगा नेगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद फिर से आएगा टू, एक तो टू कहां गया जी, नेगेटिव है ना, एक ऐसे फिर से लिख लो उसको, सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव वर्ब, इसके बाद टी डबल ओ वाला टू, इसके बाद आएगा नेगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेगेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद फिर से आया टू और वी वन प्लस अदर वर्ड, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो हमने कहा बच्चे कि सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव वर्ब प्लस टू नेगेटिव एडजेक्टिव, टू प्लस वन प्लस अदर वर्ड। अब देखो गौर से, यहां हमने टू की बात करा, अब टू के साथ टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि ही इज टू वीक, वीक एक नेगेटिव कमजोर, तो ही इज टू वीक टू वॉक। तो जब हम किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं तो रिमूव टू जम लिया कि भाई किसी से तुम अंग्रेजी बात कर रहे हो, लिख रहे हो, वह सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि कहना क्या चाहता है। आपने कहा माई ग्रैंड फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, माई ग्रैंड फादर हो गया सब्जेक्ट, इज टू ओल्ड टू वॉक, यानी हिंदी निकला कि मेरे ग्रैंड फादर टू ओल्ड मतलब जरूरत से ज्यादा बूढ़े हैं, टू वॉक तो बूढ़े हो गए, तो टू वॉक चलने मुश्किल हो रही उन्हें, यानी चल नहीं सकते। तो इसी सेंस पर इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस टू को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो इसका नाम हुआ रिमूव
टू, रिमूवल ऑफ टू, यानी हमने कहा सब्जेक्ट सेम एक्चुअली रिपीट कर दिया, अब यहां पे टू को कर दिया हमने सो, सो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो कर दिया सो, दोनों का हिंदी होता है ज्यादा। अब नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ पहले से, इसको एज इट इज सेम उतार दिया, इसके बाद ये जो टू है यहां पे लगा दिया हमने दैट क्लाउज, क्या लगा दिया बच्चे दैट क्लाउज, और दैट के बाद जो चीज सेम है लगा देंगे, दैट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सेम सब्जेक्ट यहां से आ जाएगा, दैट के बाद प्रेजेंट है तो कैन और पास्ट है तो कुड, कांट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, और यहां पे कुडंट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, तो कैंट और कुडंट का प्रयोग कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना। कुडंट और साफ लिख दूं क्या, कुडंट का प्रयोग आप कर सकते हो, जैसे आप एग्जांपल जल्दी से लिखो फटाफट, हमें लिखा माय ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक, माय ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड टू वॉक, तो माय ग्रैंडफादर टू ओल्ड टू वॉक, अब बनाना है तो माय ग्रैंडफादर हो गया सब्जेक्ट, तो आपने सेम चीज लिखा माय ग्रैंडफादर इज, अब टू को क्या करना बच्चे, सो ओल्ड है ना, दैट ही कांट वॉक, तो माय ग्रैंडफादर इज सो ओल्ड दैट ही कांट वॉक, अगर यहां पे इज के बदले में वाज लगा दूं, माय ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू वॉक, तो करना पड़ेगा माय ग्रैंडफादर वाज सो ओल्ड दैट ही, बोलो कांट, ही कुडंट, कुडंट वॉक, बोलो यहां तक बच्चे समझ में आया। एग्जांपल और दूं आपको, और एग्जांपल दूं, अगर कंसेप्ट देखो फटाफट मिटाऊं इसको, अगला कॉन्सेप्ट। अब यहां पे बात कर रहा हूं बच्चे, यहां पे समझने का प्रयास करना कि सब्जेक्ट प्लस एग्री वर्ब दिया, अब यहां पे क्या होता है सेकंड कॉन्सेप्ट, कि टू नहीं दिए, टू के बदले में लगा दिया फॉर, क्या लगा दिया फॉर, अब जब फॉर लगा दिया तो फॉर के साथ वर्ब नहीं आएगा, फॉर के साथ नाउन का प्रयोग कर देंगे, तो हमने यहां पर प्रयोग कर दिया कि फॉर प्लस, आप ऐसे कर सकते हैं ए एन प्लस नाउन, एन प्लस नाउन कर दिया हमने। अब यहां पे चेंज करने के लिए मैंने क्या करा वो ध्यान दीजिए, अब यहां पे सब कुछ सेम, यह भी सेम, यह भी सेम, यह भी सेम, अब देखना है कि दैट क्लाउज के बाद हम क्या करेंगे कि कांट, अब यहां पे भीवन हटा दिया, ठीक है, कांट और कुडंट सेम रहेगा, और यहां पे कर देंगे बी प्लस ए एन प्लस नाउन, कुडंट प्लस बी ए एन प्लस नाउन, ठीक है बच्चे, ए एन प्लस नाउन, यहां तक हम लोग इसको देख पा रहे हैं, तो कांट करो कुडंट करो दोनों से हो जाएगा, क्लियर, सब कुछ सेम स्ट्रक्चर, लिख पा रहे हो सब लोग, लिख लिया, अब आप एग्जांपल लिखो फटाफट, लिखो आई एम टू स्लो, आई एम टू स्लो, आई एम टू स्लो, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, आई एम ऐसे लिखा हमने, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, बोलो बच्चे बाबू बन रहा सबसे, तो आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, बोलो क्या बनाए हम इसका, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, यहां तक बच्चे को दिक्कत बताओ मुझे, आई एम सो स्लो दैट आई कांट बी अ रनर, क्लियर। कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, हम लोग पहले रिमूव टू, और रिमूव टू का कॉन्सेप्ट आप देखने का प्रयास कर रहे हो, यहां पे देखो कॉन्सेप्ट थ्री, अब देखो कॉन्सेप्ट थ्री में, ए बेटा स्क्रीन शॉट ले लो ना, टेंशन मत लो, यहां पे हमने कहा कि फॉर लगा दो, फॉर है सेम, अब यहां पे ए एन लगा करके हमने यहां पे सीधा ऑब्जेक्ट दे दिया, क्या दे दिया ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट दिया तो यहां पे सेंस क्या करना वो ध्यान दो, यहां पे सब्जेक्ट प्लस कांट, कांट कुडंट, कुडंट है, इसके साथ हम क्या करेंगे कि यहां पे हम लोग लगा देंगे कांट और कुडंट दोनों सेम, हम कर देंगे फेस इट
या कर देंगे इसको हम लोग बियर इट, बियर इट, है ना। जैसे मान लो बोलना पानी इतना ठंडा है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो यहां पे क्या कर देंगे, फेस इट, या क्या कर देंगे, बियर इट, है ना। कोई व्यक्ति होगा तो ही भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा सेंस के ऊपर। तो कांट और कुडंट होगा ही, फेस या बियर, यहां पे हम लोग वर्ब का काम कर दिए, कांट बियर इट, बाकी सब कुछ सेम। को देखा तो उतार दिया इसको, ठीक है, सब कुछ सेम हमने कर दिया, बस फॉर के बाद क्या लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखिए फटाफट, लिखिए द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, द वाटर इज, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, देखो द वाटर इज टू कोल्ड फॉर अस, क्लियर। तो हमने क्या बनाया इसको, द वाटर सेम, द वाटर इज, अब यहां टू क्या करेंगे बाबू, सो कोल्ड दैट, अब ध्यान दो कि यहां पे पानी की बात कर रहा है, तो पानी की बात कर रहा है, सब्जेक्ट यहां पे दिया है, अब सब्जेक्ट कहां से लगाएं, तो सर कल्पना करो कि पानी जो अस है तुम्हारे लिए तो बाबू कहां गया, अस जो दिया है तुम्हारे लिए तो है ना, तो यहां पे अपने मन से वी लगाओ, अगर तुमको सर वी नहीं लगाऊंगा तो वन भी लगा सकते हो, तो ज्यादा अच्छा है कि वी लगा दो, तो दैट वी कांट। अब देखो कि पानी को तुम फेस करते हो कि बियर करते हो, बियर करते हैं, तो कांट बियर इट, फेस करते हैं सामना चुनौती को, पानी को चुनौती है, अब जाड़े का मौसम है, अब तुम ठंडे पानी में गए नहा नहीं पा रहे हो तो उंगली डालोगे तो क्या करो, वहां से बियर करो, फेस करोगे, बियर करो, कांट बियर इट, क्लियर। एक एक चीज दिल्ली अब दूर नहीं है, आप दिल्ली आ सकते हो, घर बैठ के भी क्लास देखते हो, मोबाइल पर आपके घर भी आ गया हूं, कोई टेंशन नहीं है, जहां से देख रहे हो भूचाल मचा दो, यहां से बाहर अंग्रेजी संभव नहीं है, समझाया तक। अगला कॉन्सेप्ट देखो फटाफट, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री हो गया, फोर देखो, एग्जाम्पल हजारों, आपको जो बुक्स मिला है उसमें हजारों एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जितने भी बुक्स मिले हैं सारे बुक्स में एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं, वहां से बना के प्रयास करना, ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, थ्री की फोर, फोर, सारे बच्चे मैं पढ़ाता हुआ सीधा काम करूंगा। देखो यहां पे हमने एक सेंटेंस दिया, पेन, एक सेंटेंस दिया, समझना गौर से, द टीज टू हॉट, अब किसी महापुरुष ने आपसे पूछ लिया कि द टीज टू हॉट, बताओ इसका रिमूव टू करके दिखाओ, द टीज टू हॉट, इसका रिमूव टू क्या होगा, तो ध्यान रखना बच्चे, जब तक डबल टू नहीं आएगा रिमूव टू नहीं होगा, ये सिंगल टू है, एक टू हमको और चाहिए तब इसका रिमूव टू होगा, अब नहीं है कह दिया बनाओ इसी को, तो भाई बनाऊंगा लेकिन वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग क्या लगाएंगे भाई, तो देखो लिखता है, कहना क्या चाहता है, द टी इज टू हॉट, यानी चाय जरूरत से ज्यादा गर्म है। अब मुझे बताना बाबू कि चाय बोलने से गर्म का बोध कि ठंडा का बोध, गर्म का ना जी, अरे आजकल तो वेराइटी आ गया, आइस टी बाइस टी सब टी आ गया, मैं भी फंस गया था चक्कर में, पीने गया तो बोला कि आइस टी लेंगे, मुझे लगा कोई नाम होगा, मैं कहा आइस टी दे दो, उसने दे दिया टी कोल्ड ड्रिंक जैसा, तो चाय का मतलब हम लोग भारत में क्या समझते हैं, गर्म, यानी टी इज टू हॉट, यानी चाय गर्म है लेकिन जितना गर्म होना चाहिए उसे हो गया रिमूव टू, कैसे भाई, द टी इज, द टी इज सो नहीं, द टी इज काट देंगे टू, टू को रिमूव टू करना है, हॉटर, अब हॉटर आएगा तो देन आएगा, अब देखो चाय जितना होना चाहिए, हॉटर देन ज्यादा हो गया, जितना होना चाहिए इट शुड बी या इट इज प्रॉपर, इसका हिंदी हुआ जितना होना चाहिए, द टी इज टू हॉट, एग्जाम के पर्पज से पा रहा हूं, लॉलीपॉप नहीं, बहुत सारे टीचर्स जाओगे यूट्यूब पे तुमको लॉलीपॉप मिलेगा, ये टू वो टू, नहीं बेटा एग्जाम के पर्पज पढ़ो, सरकारी नौकरी चाहिए तब बात करो, यहां पे ये नहीं कि टू आई टू लव यू, आई लव यू टू, ये सब बात नहीं, आप देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, द टी इज हॉटर देन इट शुड बी, द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, ये सही होगा, द टी इज हॉटर देन
इट शुड बी एट इज हॉट एंड इट इज प्रॉपर. इसका वह चाय ज्यादा गर्म है जितना होना चाहिए, उसे ज्यादा गर्म है उसे हम कहते हैं रिमूव टू. इसमें आ गया, जैसे मान लो क्वेश्चन हो, एक लिख लो क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा टॉक्स टू मच. बोलो क्या बनाओगे? मिस्टर शर्मा टॉक्स, अब टू मच, तो बोलो क्या हुआ? मच का क्या होता है कोऑपरेटिव? मोर देन. तो मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर. तो मिस्टर शर्मा टॉक्स मोर देन इट शुड बी या इट इज प्रॉपर. बोलो बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है? समझ में आ रहा है? ऐसा बताओ कोई दिक्कत? अगला कॉन्सेप्ट. अब देखो बच्चे, होता क्या है, कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि टू का मतलब सर भी होता है. तो ध्यान रखना बच्चे, टू का सेंस भी होता है, नो डाउट. इस केस में आप ऑल्सो में चेंज करना, कहां चेंज करना? ऑल्सो में. अगर टू का सेंस भी निकालना हो तो इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करना, अगर ऑल्सो का प्रयोग करना हो तो इसका प्रयोग सेंटेंस के बीच में करना. कहां करना बाबू? सेंटेंस के बीच में करना. जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, लिखो द टी, जैसे लिखो कॉटन, कॉटन सी ओ डबल टी एन, कॉटन, कॉटन इज सी ओ डबल टी ओ एन, कॉटन इज ग्रोन जी आर ओ डब्ल्यू एन, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू. इसका मतलब हुआ कॉटन भारत में उपजाया जाता है. और दूसरा सेंस इसको बना टू को रिमूव करना है, क्योंकि टू का मतलब भी हो रहा है. यहां पे हिंदी क्या निकल रहा है? भी. यानी कॉटन भारत में भी उपजाया जाता है. ये पैसिव वॉइस में लिखा हमने, इसको बना रहा हूं रिमूव टू कर रहा हूं. तो क्या किया हमने? कॉटन, कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया. अब बोलो कोई दिक्कत? हमने क्या करा कि पूरे यहां पे रिमूव टू को आज हमने आपको 10-15 मिनट में समझाने का प्रयास किया. ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो हैं आपको पढ़ाने के लिए दूंगा. रिमूव टू और भी पेंडिंग बचेगा जो हम आगे पढ़ाएंगे, आपको हमेशा देते रहेंगे. इट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. तब तक के लिए आप क्या करो, हमेशा मस्त रहो. जितने बच्चे हैं सबको शेयर करो, रिमूव टू का ही रहस्य है. यहां से काम करोगे, इस पर और बनाऊंगा वीडियो, आप इसको देखें. और पूरे भारत में उन बच्चों को मदद करो जो दिल्ली नहीं आ सकता. अगर आप दिल्ली आ सकते हो तो आप पढ़िए. और इस वीडियोस को शेयर करना होगा. क्यों? क्योंकि हर बच्चे को सिखाना आपका कर्तव्य है. मैंने अपना कर्म किया, आप अपना कर्म करें. इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.